आंखों देखा हाल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस चल रही है, और हमारे बीच में अधिवक्ता मनोज गोरखेला जी जो सरकारी वकील हैं, और जानकारी देते वर्तमान हालत में जो रिजर्वेशन प्रमोशन पे क्या मैटर चल रहा है। सर आप न्यूज में एक्चुअली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो जिस तरह से गौतम जी और आप काम कर रहे हैं इस न्यूज में, आपके न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली जो ये रिजर्वेशन वाला जो मैंने आर्गू किया अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, जो मैंने आर्गू किया था, जो मैंने अपना रिटर्न सबमिशन डाला और मैंने आर्गू भी किया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, मैंने ये बोला कि ये रिजर्वेशन जो आया है इस भारतवर्ष में वो आया पूना पैक्ट से। जी पूना पैक्ट से क्या आया, तो पूना पैक्ट से इसलिए आया क्योंकि गांधी जी ने लिख के दिया था कि मैं पूरे भारत के जो ये उस समय युद्ध था जनरल कास्ट और STSC के बीच में, दोनों युद्ध था, और उस समय जब युद्ध चल रहा था पृथक निर्वाचन की बात करी थी, तब महात्मा गांधी ने लिख के, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट का जो करार हुआ था, उस करार में ये कहा था कि अगर आप जो है पृथक निर्वाचन का मत रखिए, अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो जो है हम इसको अपोज नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी, पहली पॉइंट तो हमने ये, मैंने अपने रिटर्न सबमिशन में ये फाइल किया। दूसरा पॉइंट ये फाइल किया है कि जब इस देश की पार्लियामेंट, जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट को वोट देते हैं तो हम यह कह के देते हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी तो अब इस, क्योंकि कोई भी एक्ट पास होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट बनाती है, तो पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये भी रिटर्न सबमिशन में डाला है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी एक्ट बन रहा है उस एक्ट में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट हो, सेकेंड अमेंडमेंट हो, उसमें जो जर्नल के लोग हैं, जो जर्नल के लोग हैं उनकी भी सहमति है, इसीलिए वो एक्ट बाहर आया हुआ है। और जो एक्ट जर्नल के लोग हैं जिनकी सहमति है, वो जर्नल के लोग, जर्नल कास्ट के लोग भी लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक्ट बना, एक्ट बाहर आया, एक्ट आया। और फाइनली ये मैटर जो है, मैं MP गवर्नमेंट का सरकारी वकील हूँ इस केस में, MP गवर्नमेंट का स्पेशल काउंसिल हूँ, मैंने ही 20-21 पिटीशन SLP फाइल करी थी, पहली बार जस्टिस कुरीन जोजफ और जस्टिस वानवती की कोर्ट में फाइल हुआ था, और मैंने ही इस मैटर को आर्गू किया था, कंटिन्यूस आर्गू किया था, फॉलोअप किया था, मैंने ही हरीश सालवे, गोपाल सुब्रमण्यम और अटॉर्नी जनरल हमारे जो, उसके बाद ये सबको मैंने इंगेज किया था। फाइनली हमने बहस करा इस मैटर को और ये मैटर लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चले गया। और तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पहली बार जो ये मैटर लगा था, तब इस मैटर में चीफ जस्टिस ने बोला था कि मैं 2 घंटे इस पार्टी को दूंगा, दूसरी रिस्पोंडेंट को 2 घंटे दूंगा। तो जब ये मैटर चला था तो इस मैटर पे क्रिमी लेयर की बात आई, जो आप कह रहे थे जी, तो क्रिमी लेयर की बात आई थी, और क्रिमी लेयर में मैंने जो सबमिशन फाइल किया, मैंने खुद बोला कि माय लॉर्ड, मैं एक ट्राइबल एरिया, उत्तराखंड का एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में आज आया हूँ, तो जो लोग ऑफिसर लोग होते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला पे बैक टू सोसाइटी, तो मेरा ये सबमिशन ये था कि जितने लोग जो है ऑफिसर बनते, चीफ इंजीनियर है, सुप्रीम इंजीनियर, उनके परिवार के साथ, उनकी फैमिली, उनके गांव, उनके इलाका, उनके ज़िले, इन जगहों की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है उनके पास। तो जब इन जगहों की रिस्पांसिबिलिटी, उसके परिवार, गांव और ज़िले की रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो उनमें इतना सारा ज़्यादा फाइनेंशियली बिजी रहता है व्यक्ति, इतने सारा रहता है कि उनको, कई ऐसे मैंने ऑफिसर हैं इस भारतवर्ष में, मैंने एग्जांपल दिया, हज़ारों ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी समाज को। तो एक व्यक्ति अगर कोई ऑफिसर बनता है तो उसके परिवार, घर, सारी फाइनेंशियल उस पर होती है, तो फाइनेंशियल भी वीक रहता है और इकोनॉमी भी, फाइनेंशियल भी वीक रहता है, इकोनॉमी भी वीक रहता है और सोशली भी वीक रहता है वो व्यक्ति। सर जिस तरीके से नागराज जी का जो फैसला था, जो 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 उसकी रिपोर्ट थी, उस फैसले को रोका गया, इसका क्या कारण रहा है सरकार की तरफ से? एक्चुअली जो M नागराज का जो जजमेंट है वो जजमेंट ही गलत है, इसलिए एक्चुअली मेरा ये आर्गूमेंट है, मैंने लिखा है कि जब भी साइंटिस्ट कोई साइंटिफिक वो करता है, साइंस में कुछ करता है, पहले बंदर पे एक्सपेरिमेंट करता है, बंदर को करता है, फिर जानवरों पे करता है, चूहे पे करता है, बाद में जो इंसानों पे होता है वो दवाई लगती है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो अचानक से सिस्टम में आ जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, अब कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव जा रहे हैं उसके सारे, कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव जा रहे हैं। मैंने ये कोर्ट में आर्गूमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पिछली बार हियरिंग में, अभी भी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आज हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, मुझे भी आर्गूमेंट करना है। तो उसमें मैंने ये कहा था उस केस में कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, अब इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में मैंने कोर्ट को बोला कि आज की डेट में 16 M नागराज ने 16(4)A को अपहेल्ड किया था, लेकिन आज की डेट में 16(4)A एग्जिस्ट में ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। सारे स्टेटों में प्रमोशन, उत्तराखंड स्टेट हो, UP स्टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट हो, कर्नाटका स्टेट हो, कहीं पर भी, अभी कल जो है पंजाब राज्य ने एक्ट पास किया है, नया बिल पास किया है इस पर, लेकिन उसको भी चैलेंज कर रहे हैं हाईकोर्ट में लोग, तो इसका मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको फिर दोबारा 5 जजों के पास पहुँचाया जाए, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए
और मेरा ये कहना है, एम नागराज का जो जजमेंट आया, एम नागराज ने कुछ साउथ के थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करके कोर्ट को ये समझाया कि हमारे लोग जूनियर इंजीनियर से रिटायर हो जा रहे हैं, हमारे लोग ए ही से रिटायर हो जा रहे हैं, ये कोर्ट को समझाया। लेकिन मेरा कहना, हमारा सबमिशन है कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, इस मैटर को 9 जजों की बेंच में भेजा जाए या 11 जजेस की बेंच में भेजा जाए, ताकि पूरे देश से एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट किया जाए जी। एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करके पूरे देश के एक एक जगह एक एक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट किया जाए, तब जाके किसी निर्णय पर आया जाए। कोई कमीशन बना, कमीशन डिसाइड करें, वो करें। और कोर्ट, आप बोलो कोर्ट को 140 करोड़ लोगों का डाटा कलेक्ट करें, बैकवर्डनेस कैसे डिसाइड होगी? बैकवर्डनेस तो हर गांव, हर जगह, हर जिले, हर एक व्यक्ति पर होगी। और रही बात इस पर एम नागराज बैकवर्डनेस की बात आई है, उसमें मैंने रिटर्न सबमिशन फाइल किया, तो बैकवर्डनेस है हमारे जो इस भारतवर्ष में। मैंने ये आर्गू किया था कि जितने भी फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय हैं, वो सारे के सारे फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो भरे जाते हैं जी। इसमें ब्राह्मण कोई नहीं आता, जनरल कास्ट का कोई नहीं आता। तो जब 100% और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय सफाई कर्मचारी, अब सपोज पूरे स्टेट में अगर 1 लाख, फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर जो अगर कोई 1 लाख लोग जो है अगर नौकरी में है, नौकरी सरकारी नौकरी में है, तो उसमें से 50,000 लोग सफाई कर्मचारी हैं। अब जो 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 अब इससे क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि इनका तो बैकवर्डनेस ही खत्म होगी क्योंकि इनके तो इतने एम्प्लॉय हैं। तो मेरा ये कहना है, सफाई कर्मचारी को हटा के जो ग्रुप 3 ग्रुप, क्योंकि उनका प्रमोशन होता ही नहीं है, प्रमोशन होता तो ग्रुप क्लास 3 क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 को देख के, सुपर को, इन 3 क्लासों को देख के एनालिसिस करना चाहिए बैकवर्डनेस खत्म हुई नहीं हुई। एक 4th क्लास को देख के बैकवर्डनेस खत्म नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4th क्लास एक ऐसा क्लास है जिसका प्रमोशन नहीं होता। और दूसरी चीज, उस क्लास में सबसे ज्यादा लोग सफाई कर्मचारी, कोई और नहीं भरा जाता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोर्ट में।